झांसी जनपद के मऊरानीपुर नगर में महारानी लक्ष्मीबाई जन्म महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक शाम वीरांगना के नाम कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि गहोई गौरव पुत्र वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य रहे एवं कार्यक्रम में प्रतिपाल सिंह जिला पंचायत सदस्य सभी मौजूद रहे। सर्वप्रथम कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी व अन्य अतिथियों ने वीरांगना लक्ष्मीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके पश्चात बच्चों ने नृत्य व गायन एवं महारानी लक्ष्मीबाई की गाथाओं से संबंधित प्रस्तुतियां दी। इसके पश्चात बच्चों ने नृत्य व गायन एवं महारानी लक्ष्मीबाई की गाथाओं से संबंधित प्रस्तुतियां दी गई। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने सभी पत्रकारों को इस कार्यक्रम की बधाई दी और कहा कि सरकार और आम जनता के बीच की कड़ी एक पत्रकार बन चुका है, जिसको लेकर आम जनता अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए पत्रकार को ही पहला ऑप्शन मानती है। डॉक्टर संदीप सरावगी ने पत्रकारों को मेहनती और कठिनाइयों के दौर से गुजरने वाला एक विशेष व्यक्ति बताया, जो अपने घर परिवार को छोड़कर समाज के हितों में लगा रहता है। संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका प्रजातंत्र की अन्य शक्तियां हैं। प्रजातंत्र जनता के लिए जनता द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था है। इसमें शासन और सरकार का आधार जनता होती है। शासन के कार्यों पर जनता के सहयोग के सिद्धांत पर प्रजातंत्र आधारित होता है। इस प्रकार प्रजातंत्रीय शासन के चारों शक्ति स्तंभ न केवल परस्पर संबंध होते हैं, बल्कि प्रजातंत्र की मुख्य शक्ति जनता के प्रति समान रूप से जिम्मेदार भी होते हैं। प्रजातंत्र की सफलता में प्रेस की सशक्त भूमिका की ओर इंगित करता है। समाचार का सबसे प्रमुख कार्य विश्व में घटित हो रही प्रत्येक घटना से हमें अवगत कराना है। पत्रकार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और अन्य विभिन्न विषयों पर अपने दृष्टिकोण तथा विचारों को समाचार के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लोकमत काफी हद तक समाचार की गुणवत्ता और उसे चलाने वाले पत्रकारों की कुशलता और एकता पर निर्भर करता है। डॉक्टर संदीप सरावगी ने एक बार फिर से अपने संबोधन में जरूरतमंद व्यक्तियों को हर मदद सहयोग देने का भरोसा दिया। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले बच्चों एवं कार्यक्रम संयोजक मुकेश राजपूत एवं सह संयोजिका राधा अग्रवाल को सम्मानित किया गया। सब लोग सबसे पहले माता रानी का नाम लेंगे, तो सब लोग एक साथ बोले, बोल तारा सेना वाली जा, सच्चे दरबार की। आप सब मोरारीपुर निवासी, हमारी मां शक्ति, हमारी बहनें जो आई हुई हैं, हमारी विधायिका, हमारी बहन रश्मि आर्य जी, हमारी दीदी अग्रवाल व्यापार मंडल से जिन्होंने स्टेज पे ही टीका किया है, हमारे प्रतिपाल भैया, बाकी हमारा मंच संभालने वाले सबसे बेस्ट हमारे मुकेश, हमारे भैया वास्तविकता में इंजीनियर का भाई, इसे झांसी होना चाहिए हमारे पास, मौनानपुर को गिफ्ट में बनाया भगवान, सारे लोगों का, पत्रकार एसोसिएशन का और इस पावन पर्व का, मैं बिजाना रानी सिंगाई की नगरी से आया हुआ बेस्ट पुत्र डॉक्टर संदीप सरावगी, आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। और वास्तविकता में बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत प्यारी बेटियां सजी हुई हैं, और ये बात जो मैं सीनियर भाई साहब कह रहे थे, अच्छी बात कह रहे थे कि आज वास्तविकता में प्रोग्राम जो है वो बिराना रश्मि भाई का ही होना चाहिए या देश के प्रति होना चाहिए। एक बात वास्तविकता में सबसे ये है कि जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में तीनों हमारे ईष्ट देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने व्यवस्था संभाले हुए हैं, कोई इस रचना को चढ़ाता है तो कोई दंड देता है, कोई कार्यपाल करता है, इसी तरह हमारे यहाँ हम लोग जिस ब्रह्मांड अपने पृथ्वी लोक में रहते हैं, यहाँ पर हमने न्यायपालिका, विधायक पालिका और कार्यपालिका देखी, लेकिन चौथे और जो ब्रह्मांड में अपना सिस्टम बनाते हैं वो है नारायण मुनि, उनकी फ्रेंचाइजी अपने लोगों के पास है, भाई साहब वगैरह के पास, जिनका अपना एक सिस्टम है, और जो आज इन्होंने प्रोग्राम किया इसके लिए हार्दिक अनंत शुभकामनाएं देता हूं मैं अपनी तरफ से। और मैं चूंकि झांसी से एक छोटा सा समाज सेवी हूं, जोगन बाग एसेट टावर में हमारा ऑफिस है,
किसी भी तरह की हेल्प करना, किसी भी तरह की व्यवस्था, किसी बच्ची खराब है या माँ बाप नहीं है, इन सब कार्यों में हमने अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग अपना छोटा भाई, परिवार का सदस्य, अपना बेटा, अपने फैमिली का मेंबर मानकर अगर झांसी में आप आते हैं, जो जिला में बैठा हुआ है आपका भाई संदीप लाओगे, तो एक बार जरूर ऑफिस आए। कोई भी तरह की कोई भी व्यवस्था, कोई भी जरूरत हो, उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों के तत्पर तैयार रहूंगा। और सबसे